30, नाम तो आपने सुना ही होगा। ऋतिक रोशन की एक फिल्म भी आ रही है इस पे। आनंद कुमार की सुपर 30 कोचिंग क्लासेस कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए एक सीढ़ी साबित हुई, जिस सीढ़ी ने उन्हें सपना देखना सिखाया है और उस सपने को पाने के लिए मेहनत करना सिखाया है। आज हमारे साथ दो ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने सुपर 30 कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी और अब वो IIT जैसा एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका यादव है। मेरा नाम राहुल तिवारी है। तो सुपर 30 के आप लोग दोनों स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे, कैसे पढ़ाई होती है? हम सुपर 30 के स्टूडेंट्स हैं और आनंद सर के साथ रह के हमने पढ़ाई की है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हम सर के साथ ही रहते हैं, सर के घर में बिल्कुल एक परिवार जैसा हमें ट्रीट किया जाता है। और सुबह से लेके क्लासेस चलती हैं, आनंद सर खुद हमें पढ़ाते हैं। डेली 3 घंटे आनंद सर क्लास लेते हैं, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी आते हैं जो हमें पढ़ाते हैं डेली, और डाउट क्लास के लिए आनंद सर हमें अलग से टाइम देते हैं ऐसे हमारा। और फिर हमें वहाँ पर सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलता है, डाउट क्लास क्लियरिंग। आनंद सर का घर है तो उनके घर के मतलब जस्ट बगल में ही, जैसे गर्ल्स तो उनके घर में ही मतलब घर के पास में ही रहती हैं और घर के बगल में ही हॉस्टल है जहाँ पर बॉयज़ रहते हैं, तो हम लोग वहीं पर रहते हैं और वहीं से मतलब हम लोग को जो मेस का खाने पीने का इंतजाम है वो भी हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद सर दिलवाते हैं हम लोगों को, और उसका हॉस्टल का भी कोई चार्ज नहीं है ना मेस का कोई चार्ज है। मेरे पिताजी मोटर मैकेनिक हैं। मेरे पिताजी किसान हैं। तो कभी सोचा था कि इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कर पाएंगे, एक दिन ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोचिंग जा पाऊंगी। मैं 10th के बाद ही कोटा जाना चाहती थी, फिर पापा ने कहा कि मैं 12th के बाद भेज दूंगा, तो मैंने सोचा 12th के बाद ही कोचिंग कर लूँगी, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन सुपर 30 फ्रॉम 11th क्लास, और उसके बाद फिर सुपर 30 में कोचिंग कर लिया और फिर आए। जब हमने 10th क्लास पास कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था कुछ बच्चों का एग्ज़ाम देने के लिए सुपर 30 के लिए, फिर हमारे टीचर्स ने हमें इसके बारे में बताया था, देन वी कम टू नो अबाउट सुपर 30। सुपर 30 के बारे में जाना, फिर आनंद सर को जाना, फिर एग्ज़ाम था हमारा 27 अप्रैल, और उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम देने के बाद जून के लास्ट तक रिजल्ट आ गया और हमें जुलाई में बुलाया गया था JNV राजगीर, वहाँ पर हमारी बोर्ड की क्लासेस वहाँ चलती थी और कोचिंग के लिए हम आनंद सर के यहाँ पटना में पढ़ाई करते थे। सुबह जैसे हम लोग अक्सर, अब चूँकि मेहनत तो करनी पड़ती थी, इतना टफ एग्ज़ाम था तो उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, तो हम लोग अधिकतर लड़के मतलब 80 से 85% लड़के मतलब सभी हम लोग सुबह 5 बजे के करीब या कोई 4 बजे ही से उठ जाते थे, उसके बाद फिर फ्रेश होकर के हम लोग सीधा पढ़ाई पर फोकस करते थे। उसके बाद फिर आनंद सर की 6 बजे से ही क्लास चालू हो जाती थी, वो सुबह 6 बजे से ही क्लास लेते थे, उसके बाद वो 3 घंटे लगातार क्लास लेते थे 9 बजे तक, उसके बाद फिर फिजिक्स सर की क्लास होती थी और फिर केमिस्ट्री सर की क्लास, फिर मैथ के एक और टीचर थे वो भी हम लोगों को पढ़ाते थे, मतलब वो अलग से क्लास लेते थे, जैसे जो आनंद सर पढ़ाते थे उसके अलावा भी वो कुछ और डाउट्स जो हम लोगों के रह जाते थे मैथ्स में वो क्लियर करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों को सेल्फ स्टडी का मौका दिया जाता था और हम लोग फिर खाना खाने के बाद सेल्फ स्टडी करते थे, फिर उसके बाद शाम तक 11-12 बजे तक, 1 बजे एक भी बच जाते थे, 2-3 भी बच जाते थे, और कुछ और लड़के तो ऐसे रहते थे जो सोते भी नहीं थे तो रात भर ऐसे ही उनका बीत जाता था। तो इस तरह से मतलब हम लोग दिन रात मेहनत किया है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आनंद सर तो हमेशा वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे अब आप कोई चीज़ लाइफ में करते हैं तो आज की दुनिया में आप कुछ भी रट करके ऐसा करके फिर एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, आप ऐसा करके केवल अपने बोर्ड को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आनंद सर हम लोग को टिप्स देते थे कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और वो क्लास में अक्सर हंसी मजाक का माहौल बनाए रखते थे, मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग क्लास हो जाए 3 घंटे की क्लास, तो जैसे कोई भी कहे, अगर आप किसी से पूछे कि आप 3 घंटे की क्लास करेंगे तो समझेगा अरे इतना बोरिंग क्लास है यार, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं होने देते थे, मतलब बीच में हंसी मजाक का माहौल रहता था, वो भी थोड़ा मजाक करते थे, तो इससे पूरा क्लास का माहौल एक बना रहता था और वो 3 घंटे ऐसे ही बीत जाते थे कि पता ही नहीं लगते थे। तो उन्होंने हम लोगों को ज़्यादा रटने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हम लोगों को समझाया कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो फिजिक्स में मैथ में केमिस्ट्री में, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप कितना भी टफ एग्ज़ाम हो आप उसको क्लियर कर लेंगे।
गांव में सभी खुश हैं, मम्मी पापा और हमारे आसपास के पड़ोसी सभी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने मतलब उन्हें भी एक जैसे आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्हें भी लगता है कि उनके भी लड़के अब आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, तो वो एक तरह से मुझसे मतलब कुछ सीख ले रहे हैं। वो भी अपने लड़के को अब पढ़ाने के लिए ज़्यादा, जैसे कुछ लोग थे जो अपने लड़के को अभी आजकल के जैसे जो माहौल है कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता गांव में, लेकिन ऐसा मुझे देख करके अब मेरे आसपास के कुछ दो चार पड़ोसी हैं वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं, तो इससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे देखकर कोई सीख रहा है।